तो दोस्तों, अगर आपने डेथ नोट देखा है और आपको वो पसंद आया है तो बधाई हो, आप इंसान हैं। और अगर आपने डेथ नोट नहीं देखा तो दोस्त, तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और अगर पसंद नहीं आया तो? अगर पसंद नहीं आया तो? I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care. And you know what, Chirkut? You suck. तो दोस्तों, डेथ नोट एक ऐसा शो है कि मैंने आज तक जितने भी शोज देखे हैं ये उन्हें इजीली सरपास करता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो डेथ नोट इज अ मास्टरपीस। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो मैं सीधा आता हूं पॉइंट पर। वेलकम। दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपको टाइम स्टैम्प्स कमेंट्स में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्रीमाइस ऑफ द शो। शो का प्लॉट कुछ ऐसा है कि हमारा मेन कैरेक्टर लाइट यागामी, जो एक बहुत ही भयंकर गॉड लेवल का जीनियस है, उसे अपने स्कूल के बाहर एक किताब पड़ी हुई मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है डेथ नोट। अब अपने लाइट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस किताब को उठाता है और उसे पढ़ता है। किताब में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि अगर कोई इंसान इस डेथ नोट को उठाएगा और किसी भी इंसान का नाम इसमें लिखेगा तो वो इंसान जिसका नाम इसमें लिखा है वो मर जाएगा। बट इट इज नॉट सो इजी। इस इंस्ट्रक्शन के साथ होते हैं कई और इंस्ट्रक्शंस जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन शो में उन्हें इतनी आसानी और इतनी अच्छी तरीके से समझाया गया है, आपको ये सब बहुत आसानी से समझ में आएगा। सो लेट्स स्किप देम फॉर द सेक ऑफ स्पॉयलर्स। इस डेथ नोट का मालिक होता है शिनिगामी रियू। शिनिगामी मतलब गॉड ऑफ डेथ, जो कि लाइट के साथ तब तक रहेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। पहले तो लाइट को एक मजाक लगता है, बट वो जब इसे ट्राई करता है तो सच में वर्क करती है। डेथ नोट हाथ लगते ही लाइट यागामी उन लोगों को मारने लगता है जो उसकी नजरों में जीने के लायक नहीं होते। क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस, टेररिस्ट, वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। एंड हियर कम्स आवर सेकंड मेन कैरेक्टर एल। ये भी एक बहुत ही हाई लेवल का जीनियस है। ये वर्ल्ड्स नंबर वन डिटेक्टिव है। इतनी सारी डेथ्स, वो भी एक सिमिलर पैटर्न में, यूएन का ध्यान खींचती हैं। यूएन इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एल को देता है। और एल की एंट्री के बाद शुरू होता है एक एपिक और लेजेंडरी कैट एंड माउस गेम, जो कि बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। इसका एक एक सीन इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया है, इतनी अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया गया है कि इसके हर सीन में बहुत सारी इंटेलिजेंट डिटेल्स हैं, और लूप होल्स तो जैसे कि है ही नहीं। पार्ट सेकंड, द ब्यूटी ऑफ द डेथ नोट। डेथ नोट में लिटरली सब कुछ परफेक्ट है। इसका एनिमेशन, इसका म्यूजिक, इसका बैकग्राउंड स्कोर, इसके कैरेक्टर डिजाइन, एंड एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज इसका प्लॉट। किसी जेनेरिक शोनिन की तरह इसका प्लॉट सिंपल और सीधा नहीं है। लाइक कि एक विलन है, एक हीरो है। विलन ने हीरो की फैमिली को मार दिया, हीरो विलन को मारेगा। ना ही इसकी स्टोरी इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड है कि आपको स्टोरी में इंडल्ज ना कर पाए। बट आप जानते हैं कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? इसकी राइटिंग और इसके ब्रिलियंट सीन्स। आपको एक आइडिया देने के लिए मैं एक छोटा सा सीन बताऊंगा जो कि करीब करीब सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट का है। तो सीन में होता कुछ ऐसा है कि लाइट अपने स्कूल से घर आता है और अपने कमरे की गेट के पास जाता है, और उसे वहां जाते ही पता चल जाता है कि कोई पुलिस में से या कोई बाहर का आदमी पर्पसफुली उसके कमरे में आया था, और जो भी अंदर आया था वो ये नहीं चाहता था कि लाइट को ये पता चले कि वो अंदर आया था। एंड ही वाज राइट। उसके कमरे में एल के कुछ लोग और डिटेक्टिव्स गए थे उसके कमरे में कैमरास लगाने। वो जब कमरे में जाता है तो अपना बैग रखता है और बाहर आता है। अब उसे पता कैसे चला? बाद में लाइट रियू को एक्सप्लेन करता है कि उसे ये सब पता कैसे चला। उसने कमरे के गेट में एक 3-स्टेप सर्वेलेंस सिस्टम लगा रखा था। कमरे के गेट में एक कागज का टुकड़ा था। कागज का टुकड़ा कुछ इस तरह फंसाया था कि अगर कोई अंदर आए तो वो पेपर नीचे गिर जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर कोई डिटेक्टिव अंदर आएगा तो गेट की पेपर स्लिप को डिटेक्ट कर ही लेगा और उसे फिर से पहले वाली पोजीशन में रख देगा। लेकिन लाइट ने इसे अपने फैमिली को डिटेक्ट करने के लिए लगा रखा था। ये तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। अगर कोई फैमिली मेंबर अंदर आता तो वो पेपर स्लिप को नोटिस नहीं करता, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो वो पेपर स्लिप को अपनी जगह पर रखता, क्योंकि वो नहीं चाहता होगा कि लाइट ये जाने कि वो उसके कमरे में आया था। बट दोस्तों, ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप थी। सेकेंड स्टेप में लाइट जब भी अपने कमरे से बाहर जाता तो अपने कमरे का डोर नॉब बंद करके जाता। वो डोर नॉब ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता। लाइट उसे 5 मिलीमीटर नीचे कर देता। इस तरह अगर वो डोर नॉब पूरी तरह हॉरिजॉन्टल होता तो उसे पता चल जाता कि कोई ना कोई उसके कमरे में आया था। बट अब ये सिर्फ डोर नॉब से जज करना ठीक नहीं होगा, इसलिए एक थर्ड स्टेप, लाइट बाहर जाने पर डोर के हिंज पर एक पेंसिल कुछ इस तरह लगा के जाता कि अगर कोई गेट को खोले तो वो पेंसिल टूट जाती। वो जब भी घर आता
तो उस पेंसिल को गेट खोलने के पहले ही निकाल लेता। आज जब वो घर आया तो डोरनॉब अपनी जगह पर नहीं थी और पेपर स्लिप अपनी जगह पर थी, जबकि पेंसिल टूटी हुई थी। इससे लाइट ने अंदाज़ा लगा लिया कि कोई बाहरी इंसान उसके कमरे में आया था, जिससे लाइट को ये नहीं जानने देना था कि वो अंदर आया था। थर्ड पार्ट, व्हाट आई फील अबाउट डेथ नोट। डेथ नोट के बारे में मुझे काफ़ी बाद में पता चला। ये 2006 में रिलीज़ हो चुकी थी, तब मैं बहुत ही छोटा था। दो साल पहले 2018 में मुझे एनीमे के बारे में पता चला एंड आई लव्ड इट। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले एनीमे नहीं देखे थे, मैंने पहले भी एनीमे देखे थे, जैसे कि पोकेमोन, ड्रैगन बॉल, बेब्लेड, बट मुझे ये नहीं पता था कि इन्हें एनीमे कहा जाता है और ऐसे और भी हैं। मैंने पहला एनीमे वन पंच मैन देखा, खैर वो अगले वीडियो में। फिर वन पंच मैन ख़त्म करने के बाद मुझे कुछ और चाहिए था, कुछ और एनीमे। मैंने एनीमे रिकमेंडेशन खंगाले बट आई फाउंड नथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं एनीमे में नूब था। मैं एनीमे को नाम देख के रिजेक्ट कर देता और उसका कवर और ट्रेलर देख के रिजेक्ट कर देता। मैंने जब डेथ नोट के बारे में सुना तो सोचा, क्या यार, एक शो ही तो है और लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, पर कवर आर्ट से भी कुछ खास नहीं लगता और ऊपर से हाई स्कूल स्टूडेंट पे बेस्ड है, इसमें क्या ही मजा आएगा। बट आई वाज रॉन्ग। वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा, अरे फर्स्ट एपिसोड क्या, फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट हाफ ही देखा, तो बॉस मजा आ गया, इतना जितना कभी नहीं आया था। इट इज़ मैग्निफिसेंट, ये लिटरली मास्टरपीस है। डेथ नोट मेरे दिल के काफ़ी करीब है आज भी। स्पेशली फॉर मी, एल एंड लाइट विल बी द फेवरेट कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली एनीमे बट इन द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इटसेल्फ। मैं इसमें बस इतना कहूँगा कि अपनी लाइफ में एक ना एक बार डेथ नोट ज़रूर देखना। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि हम अपने चैनल को कैसे सुधार सकते हैं।